दोस्तों अभी हुआ ये कि पेट्रोल ख़त्म हो गया हाईवे पे। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा था बट एकदम से ड्रॉप हो गया और कोई जेरी कैंस भी नहीं थे, तो बस लकीली एक करीब में पेट्रोल स्टेशन था तो पुश कर करके थोड़ा सा उसको बार बार स्टार्ट करके पहुँचे। हॉलब्रुक में हूँ और ऑलब्री जा रहा हूँ। ऑलब्री आप लोग को दिखाता हूँ। ऑलब्री और वोडोंगा दो टाउन्स हैं जो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया का जो बॉर्डर है ऑस्ट्रेलिया का उसके बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त डैम है, वो आपको दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। फाइनली जी पहुँच चुका हूँ ऑलब्री, और ऑलब्री जो है न्यू साउथ वेल्स में, इसके साथ ही वोडोंगा आपको बताया था। ये जो जगह है ये बड़ी स्पेशल है, इसका नाम है ह्यूम लेक। बहुत बड़ी लेक है ये, और इसके साथ एक डैम भी है, ये जो आप देख रहे हैं राइट पे, ये डैम है इसका। और सनसेट का टाइम है, थोड़ा सा वो फ्यूल की वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप सिडनी जा रहे हैं किसी भी तरीके से जा रहे हैं, चाहे कैंपर वैन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आपका अगर डायरेक्ट भी है, अगर स्टॉप ओवर्स नहीं है, तो यहाँ एक छोटा सा आप स्टॉप ओवर ले सकते हैं। ये जगह तकरीबन 3.5-4 घंटे मेलबर्न से है, और ऑलमोस्ट इतना ही है, थोड़े से ज़्यादा सिडनी से है। तो आप बीच में ये एक एक स्टॉप ओवर ले के यहाँ पे कुछ खाना पीना भी कर सकते हैं और इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। खैर सनसेट इन्जॉय करते हैं, खाना खाते हैं और फिर कोई जाके फिर रेस्ट की एरिया देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए ये वोडोंगा एक्वाटिक सेंटर आया हूँ। यहाँ पे इनका ये देख सकते हैं आप, पूल है, सोना है, स्पा भी है, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए और ज़रा अपने आप को ज़रा रिफ़्रेश करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, Day 3 और फीलिंग रियली रिफ़्रेश्ड स्पा और सोना वगैरह के बाद। आज जो है वंगराटा में हूँ। वंगराटा जो है विक्टोरिया में है ऑलरेडी, वो डोंगा के बिल्कुल पास है। आज लास्ट डे है कैंपरवैन रिटर्न करनी है। कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो सीमोर है। सीमोर आप लोग को दिखाता हूँ और फिर उसके बाद वापसी मेलबर्न की तरफ जाएंगे। तो ये है जी दोस्तों सीमोर, ये बेसिकली सिटी सेंटर है, बहुत ही छोटा सा टाउन है विक्टोरिया के पास, और पॉपुलेशन आई थिंक कोई 7-8 हज़ार है यहाँ पे। हर टाउन में ऑस्ट्रेलिया में आपको हर फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे, आपको शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल, रोड्स अच्छे बने हुए मिलेंगे, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं, कॉफ़ी पी रहा हूँ साथ, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, उसको इन्जॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर गोल्बन रिवर है जो एक ज़माने में बड़ा मशहूर एक बिजी एक रिवर होता था और ट्रेड वगैरह बहुत होती थी उसके थ्रू। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे आपको वो दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। तो ये है जी गोल्बन रिवर, और ये आपको सीमोर से होता हुआ काफ़ी लंबा रिवर है, आप देख सकते हैं बर्ड्स की बड़ी खूबसूरत आवाज़ें भी आ रही हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टॉप इज़ मेलबर्न। और ये देखिए इसके साथ एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, वॉर मेमोरियल पार्क है बेसिकली। दोस्तों एक ही बड़ी ज़बरदस्त बुश वॉक सी नज़र आई, मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं। तो ये रिवर के आगे ही है, अगर आप इधर आएँ गोल्बन रिवर डालें तो उसके साथ साथ एक बुश वॉक भी, आप देख रहे हैं आप, ये नेचर की आपको साउंड आ रही होगी। रियली नाइस टू वॉक हियर, और दिन बहुत ज़बरदस्त है तो आई एम रियली इन्जॉइंग इट। अच्छा जी कैंपर वैन रिटर्न कर लिए, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप इस तरह की ट्रिप करना चाहें तो जो कैंपर वैन है वो तकरीबन $440 की पड़ी थी 3 दिन के लिए। उसके अलावा $120 $40 पर डे जो है वो इंश्योरेंस होती है उसका क्लेम रिड्यूस करने के लिए, वो पड़ा तो 120 वो मिला दें तो तकरीबन 560 की समझ लें ये पड़ गई। उसके अलावा जो आप अगर फ्यूल मेरा तकरीबन $400 का पड़ा है ऑल टुगेदर, तो अराउंड 900 समथिंग, क्लोज टू $1,000। महंगा है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि अकोमोडेशन कॉस्ट में नहीं। अगर आप 2 रात की अकोमोडेशन लेते हैं और लेट से अगर आप नॉर्मल गाड़ी से आते हैं, गाड़ी पर डिपेंड करता है, अगर आपकी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और रूट पे डिपेंड करता है, तो यू नो $150-$200 में आपका ये हो जाएगा। मे बी आप 2 रात की अकोमोडेशन 150 के हिसाब से अगर लगा लें तो तकरीबन $300 की हो जाएगी, तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। बट ये है कि ये ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस की बात है। रूट जो मैंने लिया वो अलॉन्ग द कोस्ट लिया था, सिडनी से बेट्समैन बे तक, बेट्समैन बे से वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करा, फिर ओवर कैनबरा से फिर ऑलब्री गया था, और ऑलब्री के बाद फिर
औरंगोटा स्टॉप किया था, औरंगोटा से के बाद फिर सीमोर और सीमोर से फिर मेलबर्न। ये टोटल 3 दिन का स्टे था, 3 दिन का रूट था और बहुत मज़ा आया। वंस अगेन लास्ट ईयर भी किया था मैंने यही, लेकिन वो ब्रिस्बेन से था और वो तकरीबन 8 दिन का था। एनीवेज होपफुली आप लोग को मज़ा आया होगा इस ट्रिप पे। और अभी कपल ऑफ वीक्स रुकते हैं यहाँ पे, एक आध काम है वो निपटाते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रैवल में। अपना ख्याल रखिएगा। So playing with the kids guys, and I am the goalkeeper because I think I'm too old to play but I'm the goalkeeper and we kept the goal big. Come on guys, come on, come on. All right, the ball is coming, so I've got to stop.